हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी अजूहब ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो रहेगा, क्वेश्चन लेते हैं एक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल। इसमें फर्स्ट जो है वो उदाहरण एग्जांपल, यानी कि कौन कौन से जीव है जिनके अंदर प्रोकैरियोट कोशिका पाई जाती है और कौन से जीवों में यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। यहां पर प्रोकैरियोट जो सेल है उसके उदाहरण में जीवाणु, साइनोजीवाणु मुख्य रूप से इसमें कौन आता है, जीवाणु आता है, साइनोजीवाणु आता है और इसके अतिरिक्त में माइकोप्लाज्मा, माइको प्लाज्मा। यूकैरियोट कोशिका जो होती है उसमें कवक, शैवाल, इसके अलावा सभी पादप व जंतु कोशिकाएं, पादप और जंतु सभी के अंदर यूकैरियोट कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड आता है आकार। आकार जो होता है प्रोकैरियोट जो कोशिका होती है उसका आकार सूक्ष्म होता है, बहुत ही ये सूक्ष्म होती है। तो इसमें 0.1 से 5 μm का आकार की ये होती है, जबकि ये बड़े आकार के, इनका आकार जो है वो बड़ा होता है, जो कि 5 से 20 μm तक पाया जाता है। थर्ड पॉइंट कोशिकांग से, कौन कौन से कोशिकांग हैं, कौन सी कोशिका के अंदर वो पाए जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहां ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोट जो कोशिका होती है इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें ये नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और इसका कार्य जो है वो परिवहन का होता है। यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो परिवहन का कार्य इसमें करती है। सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसमें अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर यह अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। और कार्य जो होता है इसका वो श्वसन का, श्वसन का कार्य से श्वसन स्थल के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट लवक, थर्ड लवक इसमें अनुपस्थित होता है, सेम यूकैरियोट कोशिका जो होती है उसमें यह पाया जाता है, पाया जाता है। और इनमें भी मुख्य रूप से जो लवक होता है वो इसमें पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिका जो होती है उनमें ये पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर यह नहीं पाया जाता। इसका कार्य जो होता है वो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी जो है इनमें अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर, और यूकैरियोट कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडी जो होती है वो पाई जाती है, यहां पर ये इसके अंदर उपस्थित होती है और यहां पर पदार्थों का स्राव करने का कार्य करती है। इसका कार्य जो है वो विभिन्न पदार्थों का स्राव करने का होता है। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी के बाद में इसके अंदर लाइसोसोम और परोक्षिसोम, इसमें ये नहीं पाए जाते और इनके अंदर ये पाए जाते हैं, इनमें ये उपस्थित होते हैं जो कि पाचन और विघटन का कार्य करते हैं, कार्य पाचन व विघटन का इसके अंदर कार्य करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम 6, राइबोसोम जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट पाया तो जाता है लेकिन इसमें कौन सा पाया जाता है,
50S, इसमें उपस्थित सॉरी इसमें 70S परस, जिसकी उपिकाइया होती है 50S प्लस 30S। यहां पर 70S राइबोसोम व 80S राइबोसोम ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। 80 के अंदर इसकी जो उपिकाइया होती है वो 60S और 40S में होती है। तो इस प्रकार से इसके जो कोशिकांग जो है वो किसमें पाए जाते हैं और उनमें नहीं पाए जाते। ये पॉइंट यहां पर इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो केंद्रक। देखेंगे यहां पर इसके अंदर केंद्रक और केंद्रक में पाए जाने वाले जो अंग हैं वो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी फर्स्ट पॉइंट केंद्रक कला। अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो कोशिका पढ़ा है मुख्य रूप से वहां पर डिफरेंस यहीं से आया था। केंद्रक कला प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है, उपस्थित होती है। इसके अलावा केंद्रिक, केंद्रिक जो होती है वो भी इसमें एब्सेंट होती है और इसमें उपस्थित होती है, और उपस्थित भी यहां पर संख्या में एक या फिर अधिक हो सकती है, संख्या इसकी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर अनुपस्थित होती है और यहां पर इसमें पाई जाती है। फोर्थ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया तो जाता है, लेकिन अंतर है आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोट कोशिका के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है, इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में सुसंगठित प्रकार का, इसमें सुसंगठित प्रकार का इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट तारककाय। तारककाय जो होता है वो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, कोशिका जो पाई जाती है उसमें यह उपस्थित होता है, लेकिन जो यूकैरियोट कोशिका है उसके अंदर यह अनुपस्थित होता है, सिर्फ जंतु कोशिकाओं के अंदर ही, यानी कि पादप जो कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता और जंतु कोशिकाओं के अंदर यह उपस्थित रहता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर उपस्थित होती है, लेकिन इसका अपवाद है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर यह अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोट के अंदर सेल वॉल जो होती है वो पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उसमें यह नहीं पाई जाती। इसी प्रकार लैंगिक जनन, लैंगिक जनन प्रोकैरियोट के अंदर अनुपस्थित, यूकैरियोट में पाया जाता है। जीवद्रव्य कला की यदि बात करें तो प्रोकैरियोट में पतली होती है, इसमें मोटी होती है। श्वसन इसमें अवायवीय और यूकैरियोट में वायवीय प्रकार का होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, इसमें असूत्री प्रकार का विभाजन होता है, जबकि इसके अंदर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन सब प्रकार का इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर अंतर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।